तो हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो एक हमारे छोटे से वीडियो के माध्यम से आप एक ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप किसी का दिन, डेट, महीना और साल निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये ट्रिक सीखकर आप अपने दोस्तों या किसी को भी डेट और दिन और महीने और साल दोनों कितना साल का है वो बताकर उसको हैरान कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए गाइस, अब वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि किसी का भी डेट ऑफ बर्थ तो किसी को भी मालूम चल जाता है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे साल, कितने साल का, कितने महीने और कितने दिन का, तो लगभग कोई नहीं बता पाता। तो आप उसी को ही देख कर मैं ऐसी ट्रिक लाया हूँ जिससे आप एक ही ट्रिक से 2 मिनट के अंदर में कितने दिन का है वो, कितने महीने का है, कितने रात, कितने साल का है, ये आप पता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये ट्रिक जानने के लिए उसका सही डेट ऑफ बर्थ मालूम होना चाहिए। जैसे जैसे मान लीजिए 3 तारीख का है, 7वां महीने का है और 2005 का, ये उसकी जन्म तिथि है। ठीक, ये मान लीजिए उसकी जन्म तिथि हो गई। और ये पता करने के लिए हमें जिस जो दिन हो उसका डेट भी लिख लीजिए। जैसे आज मान लीजिए 8 तारीख मान लीजिए, 8 तारीख, 8वां महीना मान लीजिए, अगर यहाँ 8 कर दे रहे हैं और ये इसमें चल रहा है 2023, ये रियल है इस समय जो चल रहा है। ठीक, अब इसमें आप पता कैसे करेंगे कि ये कितने दिन का है, कितने दिन का नहीं है? तो इसको पता करने के लिए पहले से लिख लीजिए साल, महीना और दिन। तो इसको पता करने के लिए पहले तो आप अपनी जो इस समय का जो समय चल रहा है उसका पहले डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए 8/08 है, महीना 8वां महीना है और इस समय चल रहा है 2023। ठीक, बीच में पॉइंट डाल दे रहे हैं। और इस समय इसकी जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ 3/7/2005। तो चलिए इसको कर देते हैं 3/7/2005। अब इसको करेंगे क्या, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें आपको करना है बस यही कि इसको घटाना है। क्या करना है आपको, घटाना है इसमें। जैसे कि आप देख ले 5/8 क्या, 8 से 3 गया बचा 5। ठीक, ये 3 और 8 में 7 गया 1, ये हो गया। और यहाँ पर 3 है, अब यहाँ पर इसको हासिल दे जाएगा 13/5, 13 में से 5 जाएगा 8/18, ये आ गया 0/0। ठीक, तो इसमें आपका हो गया 18 साल का और 1 महीने का और 5 दिन का है वो, ये मान लीजिए ये आपका आ गया आंसर। मान लीजिए इसमें आपको थोड़ा डाउटिंग हो रहा होगा, जो कि यही अगर चीज 7वां महीना ऊपर रहेगा, 8वां नीचे रहेगा तो कैसे होगा। तो चलिए इसको भी देख लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 2023, ठीक, और इसी को कर लीजिए 7/7वां महीना कर लीजिए और ये डेट है जो, इसको आप कुछ भी कर लीजिए, 23 कर लीजिए मान लीजिए। और जो डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 2005 और इसको कर लेते हैं आप 8 और इसको कर लेते हैं आप 25। अब इसमें आप क्या करेंगे डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए, तो सिंपल तरीका है, इसमें आप क्या करेंगे, तो इस
से एक महीना लेगा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, और यहाँ पर जोड़ लीजिए 30 + 23, इसको जोड़ लीजिए 3 और 3 = 5, 53 दिन हो गया। और इसमें 53 दिन में से आपको निकालना है कितना है, 25 दिन, तो निकाल लीजिए। इस यहाँ हो गया आपका 13 में से 5 गया 8, और 4 में से 2 गया 2, 28 दिन आपके हो गए पॉइंट। और यहाँ बचा 7 है, अब यहाँ 6 महीने बचा, फिर ये लेगा इससे, तो ये साल है, तो ये 1 साल देगा, तो इसे यहाँ 12 हो गया, 12 और 6 महीने पहले है, 12 + 6 = 18, 18 में से 8 गया बचा 10। अब यहाँ 2023 है, तो यहाँ पर 22 हो गया, अब यहाँ हो गया 2, अब ये 1 हासिल देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 में से 5 गया 7, यहाँ आ गया 1, ये हो गया इसका डेट निकला 17 साल और 10 महीने, और आ गया 28 दिन, ये आ गया आपका आंसर। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।